आप लोग कभी लोग सोचते थे कि ट्रिपल तलाक इस देश में खत्म हो जाएगा? बोलो कोल्हापुर वालों, सोचते थे क्या? मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है मित्रों, अधिकार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? नारा तो हम कभी सभी लोग लगाते थे, छोटे से तपते लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। परंतु कभी आप सोचते थे धारा 370 हटेगी? बताओ भाई, कल्पना आती थी क्या ऐसी? जरा जोर से बोलो। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 और 35 ए को उखाड़कर फेंक दिया। और शरद पवार की पार्टी एनसीपी, राहुल बाबा की पार्टी कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, ममता, समता, नीतीश कुमार, कोई बाकी, सब लोग खड़े हो गए, विरोध किया और कहते थे कि मत हटाइए, मत हटाइए। मैं ही बिल पायलट कर रहा था, मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तूने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों 370 कलम समाप्त हो गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी को कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। और आज कश्मीर भारत माता का मुकुट मणि, हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन गया है, उसको कोई हमसे जुदा नहीं कर सकता। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। धान की धज्जियां उड़ाकर 370 को हटाए हैं, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि भारत के मुसलमानों का हमको प्रोटेक्शन मिलता हमारे रिलीजियस कस्टम्स का, कल्चर का और प्रैक्टिसेस का, आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और हम किसी भी हाल में इन चीज़ों को खोने को तैयार नहीं है, इसीलिए हम यूसीसी के खिलाफ हैं। अमित शाह ये बता दें, लव जिहाद और यूसीसी साथ चलेगा, लव जिहाद और डिस्टर्ब एरियाज एक्ट साथ चलेगा, लव और जो ज़मीन नहीं खरीदना हिमाचल प्रदेश का कानून और यूसीसी साथ चलेगा। बताइए, शराब पीकर टक्कर मारते हैं, इस देश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर जुल्म होता है, शराब पीकर मारते हैं, जलाते हैं, पीटते हैं, उस पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है ना, प्रोहिबिशन लगाइए, पूरा बंद कर दिए देश में, दिल्ली से शुरू करिए, कोई शराब नहीं बिकेगी, बंद कर दीजिए। देखिए वो भी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पर्सनल लॉज को अलग अलग वो हक राइट्स दे रखा है, तो उस हिसाब से स्मूथली चल रहा है। सबको लाके जब एक बढ़िया बिस्तर में डाल देंगे तो उस वक्त क्या होगा, ये सब बीजेपी को सोचना चाहिए, सोच समझ के कुछ लाए ना, पहले डिस्कस तो करे, पार्लियामेंट में बात रखे, डिस्कस करे, मुमकिन है या नहीं है, इस तरह की बातें हो, ये इलेक्शन के मतलब उसमें रैली में ये सब बातें करके लोगों को भड़का के, लोगों को लालच दे के सिर्फ वोट बटोरने की जो ये कोशिश, ये मुनासिब नहीं है। डेवलपमेंट में फेल हुआ है, डेवलपमेंट के इशू को लेके बीजेपी आगे चल ही नहीं सकती, इसीलिए कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी किसी को लगा दिया हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की बात करना, कभी कुछ, ये सब बीजेपी का जुमलाबाजी है, पॉलिटिकल एजेंडा है, मैं जहां तक समझता हूँ। जनता के मुद्दे जो है वो उनसे दूर हटना चाह रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी जनता चाहती है कि कम होनी चाहिए। आज बेरोजगारी की दर क्या है? 8.5, ये ग्रामीण सेक्टर में, और शहरी सेक्टर के अंदर तो 10% तक बेरोजगारी हो गई है। तो एक तरफ जहां पर एमएसएमई का नुकसान हो रहा है, एमएसएमई बंद हो रही है, देश के अंदर ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, और ऐसे समय में अगर अमित शाह कहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई ये मुख्य मुद्दा नहीं है, तो मेरे ख्याल से गलती है। उनको इन मुख्य मुद्दों पर काम करना चाहिए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं।